जनपद आजमगढ़ आज स्वामी विवेकानंद सामाजिक कल्याण उत्थान एवं शिक्षण संस्थान द्वारा अंतर जनपदीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुखदेव पहलवान स्टेडियम में किया गया। इस आयोजन में उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में आईडीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि खेल के मैदान में जब खिलाड़ी उतरता है तो दो प्रतिद्वंदियों के बीच कठिन संघर्ष दिखाई देता है, जबकि मैदान के बाहर उनकी मित्रता सामाजिक एकता की मिसाल बन जाती है। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक अखिलेश प्रताप सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सनी प्रसाद पांडे, अविनाश प्रताप सिंह, अंजलि सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज का मैच क्रिकेट क्लब कोलघाट एवं भागलपुर के बीच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। मैं संजय पांडे, प्रांतीय संरक्षक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आज किस मैच के उद्घाटन के लिए आपने? आज स्वामी विवेकानंद सामाजिक उत्थान एवं शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा जो स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो आज का मैच है वह गोपालपुर से है कोलघाट, भागलपुर और केकेसी के बीच मुकाबला है। मैं स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों राहुल प्रेक्षागृह में जो बहुत अच्छा जो है कुश्ती प्रतियोगिता, डांस, नृत्य, मेहंदी जैसे जो है कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी ढंग से उनकी प्रस्तुति थी जो है कि मैं इस संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल है, जब मैं देखता हूँ कि फील्ड में जो है जब खिलाड़ी मैच खेलता है तो एक दुश्मन की भांति लड़ता है, लेकिन जब मैच समाप्त हो जाता है तो मैच समाप्त होने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर जो एक आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव को बढ़ावा देता है, तो मैं इस ऐसे संस्थान को स्वामी विवेकानंद सामाजिक उत्थान शिक्षण संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के जो बराबर ज़िले में रचनात्मक कार्य करके जो एक समाज में एक अपनी पहचान यह संस्था बनाई है, हमारे बीच में हमारे छोटे भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि बड़े ही अच्छे युवा हैं और संस्था का नाम भी बड़ा अच्छा है स्वामी विवेकानंद, उनकी जयंती 12 जनवरी को होने वाली है। यह संस्थान भी बड़े व्यापक स्तर पर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने का काम करेगा। धन्यवाद।